नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। नए जमाने की रफ्तार में जल्द से जल्द उम्मीद से ज्यादा पाने की चाहत आम हो गई है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की इस कोशिश में कोई बुराई भी नहीं है, बशर्ते इंसान की चाहत बेलगाम होकर अपनी हदें तोड़ने न लगे। अगर कानून और सामाजिक सुरक्षा की हद तोड़कर बात आगे चली जाती है तो ये चाहत नासूर बन जाती है, क्योंकि इसके आगे इंसान गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। आज के इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी अपराध को अंजाम देने वालों से यही चूक हुई। सेठ, दिवाली का सीजन है, हर चीज का भाव बढ़ जाता है। आप कहते हो तो आपके लिए 3,500 रुपया क्विंटल करता हूँ, उससे कम नहीं होगा। नहीं सेठ, परवरता नहीं है, आप जानते एकदम ईमानदारी का धंधा है मेरा। आप मेरी बात मानो, आप गेहूँ ले लो, A1 क्वालिटी का गेहूँ है। अभी क्यों फोन किया तुमने? नहीं, मैं घर पे हूँ, नहीं मैं बात नहीं कर सकती। सरला, हाँ मेरा पॉकेट कहाँ है, दे दे। यही है। राजा, बाबू सेठ का 50 बोरी लोड कर। What the hell? भोजपुरी हीरोइन की सस्ती कॉपी, मेंढक जैसी शक्ल वाली। विधि, बेटा जा रहा हूँ मैं, बाय। बाय पापा। अच्छा, सामान लेते आना, विसरू नका, मैसेज केला मी। और कुछ याद आए तो वो फोन कर देना। अब आ जाओ, रास्ता साफ है। तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या फालतू के कमेंट्स करने के अलावा? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? अपने दोस्तों को देखा है ना, जिन्हें कपड़े पहनने का कोई ढंग है ना ही मेकअप का सेंस, सिंपल से ना तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? देखो तुम लोग ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं क्या क्या बोला? अरे तेरे जैसे ना मैंने 1000 देखे हैं, समझे? ऐसा हाल करूंगी ना तुम लोगों का कि कमेंट करने के लायक तो क्या, घर का कचरा उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? हो अच्छा, नहीं अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ, रुक जाओ। बेटा कहाँ जा रही है? किसी को सबक सिखाना है। अरे पर हुआ क्या? आपके बताती हूँ आई। विधि, अगर तुम लोगों को मेरी पोस्ट पसंद नहीं आती है तो मत देखा करो मेरा पेज, सिंपल। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? ये जो तेरी शक्ल है ना, वही हमें पसंद नहीं है। तो वीडियोस अपलोड मत कर, हम पोस्ट पे कमेंट करेंगे ही नहीं, सिंपल। और ये बात कमेंट की ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी कमेंट कर सकता है। अरे हमारा हक है कमेंट करना, तू ना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अच्छा, कुछ नहीं उखाड़ सकती? ये देखो इन दो लड़कियों को, आगे से मेरी पोस्ट पर कोई भी गंदी कमेंट करेगा ना तो ये वीडियो देख लेना, ये रहा प्रूफ तुम्हारी असलियत का। तुम जो ये बाइक चलाकर कूल बनने का नाटक करती हो ना, 2 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मैंने ना ये पोस्ट वायरल कर दी तो आगे से ना मेरे से पंगा मत लेना। और समझ में आया ना?
क्या उखाड़ सकती हूँ मैं? हाँ मैं करती हूँ ना आज बात, अब टेंशन मत लो, हो जाएगा काम, मैं करती हूँ बात। अरे ये क्या हो गया तुझे, कहाँ से जाकर आई है? आई मेरा मूड बहुत खराब है, ये ले ठंडा पी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। हालत बनाती है तेरी। आई आपको पता है मेरा मूड कैसे चेंज करना है? आई हूं मैं तेरी, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अच्छा मेरी कुछ सहेलियों ने तुम्हारा वीडियो देख लिया था, कहती हैं विधि अब शादी के लायक हो गई है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है शादी करा दो। आई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो रोहित जो हमेशा तुम्हें मदद करता है वीडियो बनाने में? आई रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इज जस्ट माई फ्रेंड। मतलब मुझे ही लड़का ढूंढना पड़ेगा? पर आई अभी क्या जल्दी है इतनी? अरे कुछ ही महीनों में तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, अभी लड़का ढूंढूंगी, फिर तुम्हें पसंद भी तो आना चाहिए, उसमें भी तो टाइम जाएगा। आई पैसे कहाँ है हमारे पास, और वैसे भी पापा का बिजनेस पहले से लॉस में चल रहा है, और शादी में तो लाखों का खर्चा होता है। तू उसकी चिंता मत कर, उसका इंतजाम हो जाएगा, तू ठंडा पी ले। क्या कहते हैं आप, ये एक ही तरीका जिससे हम पैसे बना सकते हैं? ठीक है करते हैं। दारू चाहिए? दारू नहीं मिलेगी, पिछला हिसाब बाकी है। तो मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ? अरे अभी खत्म हो गया करके आया ना, इधर जल्दी दे। उधार मांग के मेरा टाइम खोटे मत करो। ये देख विधि, तेरी शादी की ज्वेलरी, और ये देख मंगलसूत्र, सुंदर है ना? आई पर इतनी जल्दी क्या है, और ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी जमीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है। ठीक है मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि लड़का मैं पसंद करूंगी, और लड़का जल्दी पसंद करने का प्रेशर आप नहीं डालोगे। आई अब क्यों टेंशन ले रहे हो, अब तो हमारे पास 30 लाख है। अच्छा ठीक है जैसा तू कह। ये देखना अच्छा लगा? ए, तो फिर आ गया? अरे, अरे, अरे। बार बार क्या तू बिना बात के चाकू निकाल रही है, पिछली बात का इतना बुरा मान गई, गलती से हो गया, अरे नशे में था, बोल दिया मैंने कुछ। तो इस बार ये ले पैसे लाया ना मैं, ये ले अब बोतल दे। कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो भी जरूरी था, मैं भी धंधा लेके ही बैठी हूँ, पैसे के बगैर काम नहीं करती, अभी लेके आती हूँ।
मेरा नाम शालिनी है, मैं यहाँ रहती हूँ सर। सर मैंने ही आपको फोन किया था सर। वो कौन सर? सर चाबी लगी हुई है। लड़की के हाथ में देखो क्या लगा हुआ है। सर गीला आटा है, शायद किचन में आटा गिन रही होगी। हाँ सर आटे गूंद रहे थे। लगता है कि सबसे पहले किलर ने माँ को गोली मारी और आखिर में भागते वक्त फादर को शूट करके गया। पूरे घर की तलाशी लो, देखो क्या क्या मिसिंग है। सर ये देखिए सारे ड्रॉर्स खुले हुए, शायद कातिल चोरी के इरादे से आए हो। सर कैश ज्वेलरी सब कुछ गायब। और सर ये चाबी अभी भी लगी हुई। लगता है उसे ड्रॉर से निकाली गई होगी। सारा घर अच्छे से चेक करो। सर शके तीनों के सर हमने घर से जितनी भी चाबियां कलेक्ट की हैं सब डुप्लीकेट चाबियां हैं सर। और इनफैक्ट जो दरवाजे पे चाबी थी वो भी डुप्लीकेट थी, जैसे कि वो लोकर चाबी वाले बनाने यूज करते हैं। मतलब कोई ब्रांड वगैरह का नाम नहीं था उसमें। मतलब पाटिल परिवार के घर की डुप्लीकेट चाबी किसी के पास थी? अगर थी भी तो कोई जानने वाला ही होगा, कोई नौकर ड्राइवर वगैरह। हो सकता है सर, वैसे मैंने पड़ोसियों से बात की है, उनका कहना है कि ये फैमिली ज़्यादा किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। ठीक है शालिनी से दोबारा बात करो, हो सकता है सदमे की वजह से कोई डिटेल बताना भूल गई हो सकता है उसने कुछ देखा हो। ये पाटिल परिवार के कोई रिश्तेदार हैं? सर ओम प्रकाश भाई साहब के एक बड़े भाई साहब हैं, वो अक्सर आया जाया करते थे। वो कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता, कैलाश नाम है उनका। कैलाश? अच्छा ऐसा कोई जिसकी इस परिवार से दुश्मनी हो या कोई इनका बुरा चाहता हो? सर ये तो मैं नहीं कह सकती, पर सरला के धंधे की वजह से कई अजीबोगरीब आदमी आए करते थे। अजीबोगरीब मतलब? और कैसा धंधा? वो सरला अवैध शराब का धंधा करती थी। मैं क्या अवैध शराब तुम यकीन के साथ कहती हो? अब मैम जो है वो है, और जैसी माँ वैसी बेटी। ये जो विधि है ये तो बिल्कुल हाथ से निकली हुई है। पता नहीं कितने सारे बॉयफ्रेंड थे इसके, और शर्म हया जैसी तो एक भी चीज नहीं थी। और ये सरला पति और बेटी के जाने के बाद आदमियों को घर में बुलाया करती थी। अच्छा मर्डर वाले दिन घर के आसपास किसी को देखा था तुमने? दो लड़के थे, एक तो बाइक में था और दूसरा दीदी का स्कूटर लेके जा रहा था। शक्ल देखी होगी ना आपने उनकी? नहीं सर, सर मैंने उन्हें बस जाते हुए देखा था। गोलियों की आवाज सुनी थी आपने? सर मैं घर के पीछे काम कर रही थी और दिवाली का टाइम है तो मुझे लगा कि पटाखों की आवाज होगी। शालिनी ने जिन दो लड़कों को देखा था उनके हाथ में कोई बॉटल थी या बैग वगैरह? सर शालिनी ने बताया दोनों ने कुछ कैरी नहीं किया था, लेकिन विधि की स्कूटर लेके निकल गए थे। मतलब इन दोनों लड़कों ने घर को लूटा, कैश नकदी जेवर वगैरह सब अपनी अपनी जेबों में भरा और विधि की स्कूटर जाते जाते ले गए। लेकिन सवाल यह है कि वो ओम प्रकाश की गाड़ी भी ले जा सकते थे, गाड़ी नहीं ले गए। हाँ सर वैसे जब हमने ओम प्रकाश की बॉडी की तलाशी ली थी तो हमें उसकी पॉकेट में उसकी कार की चाबी मिली थी। अब सर ये हो सकता है कि ये बात इन दोनों को पता ना हो, या फिर इन लोगों को कार चलाना आती ना हो, छोटे मोटे चोर। शिरके एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ओम प्रकाश के मोबाइल से उसके भाई कैलाश का नंबर निकाल के उसे कॉन्टेक्ट करो, थाने बुलाओ। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट। सर जिस गन से फायरिंग हो गई थी वो फर्स्ट कॉपी गन है। शिरके गोली फर्स्ट कॉपी गन से चली है। जरा अपने खबरियों को एक्टिव करो, पता लगाओ कि ये फर्स्ट कॉपी गन आई कहाँ से, और विधि की स्कूटर के लिए लुकआउट जारी करो। ठीक है सर। उस चाबी वाले को ढूंढो जिसने डुप्लीकेट चाबी हमारे। हो सर। स्वाति फैमिली के सेलफोन डिटेल्स ऑन द वे है सर, थोड़ा जल्दी कर लो, उससे काफ़ी हेल्प होगी। सर सर ये रही ओम प्रकाश सरला और विधि के कॉल रिकॉर्ड्स।
सर हमने उसके भाई कैलाश को कॉल किया था, लेकिन वो कोल्हापुर गया एक शादी अटेंड करने के लिए, तो हमने उसे थाने बुलाया। कॉल रिकॉर्ड में कोई खास बात? सर ओम प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड में सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने सभी को कॉल किया था, सबका यही कहना है कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन सर हालत इतनी भी खराब नहीं थी। सर उसका कोई कर्जदार या उधार नहीं था किसी का। सर इसकी बीवी सरला ये शायद अपने फोन का इस्तेमाल कम करती थी, क्योंकि उसके फोन में या तो किराना वाला या सब्जी वाला इन्हीं के कॉन्टैक्ट थे। अगर वो कॉल करती है तो अपने पति ओम प्रकाश या विधि को करती थी। और विधि? सर विधि के फोन में एक वीडियो मिला है जो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। सर सोशल मीडिया पे उसके कई ज्यादा फॉलोअर्स है और हेटर्स भी है। सर उसके फोन में एक वीडियो मिला है जिसमें ये दो लड़कियां हैं जिनके चेहरे पे खरोंच के निशान है। सर ये वही दो लड़कियां हैं जिन्होंने उसके पोस्ट पे बुरे कमेंट्स किए थे। आजकल लड़कियों में भी बड़ी जबरदस्त फाइट होती है ना, तुम लोगों को तो याद ही होगा 8 तारीख को विधि से लड़ाई की थी ना तुमने। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। स्वाति तो मना कर रही है। झूठ बोलना बंद करोगे? 8 तारीख को तुम दोनों की लोकेशन और विधि के फोन की लोकेशन यही की थी। और 10 और 11 तारीख को, खास करके 11 तारीख को जिस दिन विधि के पूरे परिवार का खून हुआ, उस दिन भी तुम दोनों के फोन की लोकेशन विधि के घर के आसपास की थी। अब बोलोगे तुम लोग? सच बोलो। बोलो। सर हम मानते हैं हमारा विधि से झगड़ा हुआ था, हाथापाई भी हुई थी, उसके पोस्ट पे हमने कमेंट कर दिया था उसको लेके, उसने हमारा वीडियो बना लिया था सर, हमें धमकी दे रही थी कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगी। हाँ सर, हमें तो बस विधि से बदला लेना था, इसलिए हमने सोचा उसे जिस चेहरे पर इतना घमंड है हम उसी को बिगाड़ देंगे। इसलिए 11 तारीख को हम उसके घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन उस दिन हमारे और विधि के कॉमन फ्रेंड ने हमें वहाँ देख लिया था। अगर हम उस दिन उस पर अटैक करते तो शक हम पर ही जाता ना, इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। और अगले दिन हमें पता चला कि विधि और उसकी फैमिली का मर्डर हो गया। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक तुम्हारी ये कहानी वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों हमारी मेहमान बन के रहोगी। सर प्लीज, चलो। सर, 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 क्या सर, सर, प्लीज देख लीजिए सर। सर ईमेल पे तीनों की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर तीनों को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था, बॉडी पे मोलेस्टेशन के कोई निशान वगैरह नहीं है, और सर विधि तो सेक्चुअली एक्टिव भी नहीं थी। और सर मौत का समय शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच का। सर उस दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच ये दोनों भी वहीं पे ही थी। सर हो सकता है कि इन दोनों ने इसका मर्डर किया। हाँ सर, लेकिन अगर ये दोनों सच बोल रही है तो फिर कातिल कौन हो सकता है? सर एक मिनट। हाँ गाड़े ठीक है सर, विधि का स्कूटर मिल गया। सर ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और ये बाइक? बाइक के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिली सर, अनिते आजूबाजू कुछ सीसीटीवी पर नहीं है। ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये स्कूटर लेने कौन आएगा इसका पता जरूर लगा सकते हैं। शिरके विधि का स्कूटर मिल गया है ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है सर। खड़े यहाँ पे टेम्परेरीली एक कैमरा लगाओ और मॉनिटर करो। सर। हाँ पटेल। अच्छा ठीक है सर, ओम प्रकाश के घर पे कोई इसका भाई कैलाश आया है। नमस्कार, मैं कैलाश पाटिल, ओम प्रकाश का बड़ा भाई। अब तक आप कहाँ थे? मैं कोल्हापुर गया था, मेरे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पे शादी थी उसको अटेंड करने के लिए, पर जैसे मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पर लौट कर आ गया। आप मुझे बताइए कि जिसने भी किया होगा ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, भला ओम प्रकाश के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो हम जानना चाहते हैं, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ओम प्रकाश और उसके परिवार के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही सरल और अच्छा परिवार था उसका। अच्छा, मतलब सरला के अवैध शराब के व्यापार से आपको कोई तकलीफ नहीं थी? क्या अवैध शराब का व्यापार? क्या
क्या कह रहे हैं आप? सूटकेस भर भर के अवैध शराब के बॉटल मिले हमें आपके घर में, इसी घर में, स्टोर रूम के अंदर। और वैसे हमने विधि के बारे में भी कई बातें सुनी, सुना है कई सारे लड़कों के साथ उसका घूमना फिरना था। लड़कों से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना गलत थोड़ी है। विधि तो आज के जमाने की लड़की थी, बहुत ही प्यारी, मेहनती और सबका ख्याल रखती थी वो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। अरे पहले मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को खिलाओ। नहीं, सबसे पहले तो आप ही खाएंगे। अच्छा, आप इस घर के बड़े हैं। आपका परिवार कहाँ है? 6 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया, तब से मैं वर्धन नगर में अकेला रहता था। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो विधि को ही मैं अपना बच्चा मानता था। वैसे सरला ने तो मुझे विधि के लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भी कहा था। ये आपका सामान है? ये तो मैं कोल्हापुर लेके गया था, मेरा ही है, बाकी सामान मेरा कमरे में है। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो सोचा क्यों ना यही आके रह लूँ। उनकी भी वही इच्छा थी और वैसे भी इस घर के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब आपके पास घर की चाबी है? हाँ है। ज़रा दिखाएंगे? ये लीजिए। आपको आइडिया है किस चाबी वाले ने ये चाबी बनाई है? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ये जितेश चाबी वाला करके है, उसने बनाई थी। दरअसल ओम ने कहा था मुझे 2 डुप्लीकेट चाबियाँ बनवाने के लिए। सर ये चाबी वाला है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको ओरिजिनल चाबी से 2 डुप्लीकेट चाबी बनवा के दिया था मैंने करीब 1 महीना पहले। तो बहुत सारे ग्राहक होंगे ना, इसकी शक्ल इतने अच्छे से कैसे याद है? हाँ सर, क्योंकि इसकी शक्ल इसलिए याद है कि इसको 2 चाबी को मैंने 200 रुपये मंगाया था, 150 रुपये दे के चला गया। बहुत नाटक कर रहा था सर, वो चिंदी चोर लगता है सर। ठीक है सर। ये कैलाश बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है, लेकिन ज़्यादा चीनी डायबिटीज कर देती है। कैलाश के पास मकान की डुप्लीकेट चाबी थी, वो भी 1 महीना पहले से, और आज ओम प्रकाश की पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। कैलाश की कुंडली ज़रा चेक करो, देखो इसने कोई गनमन तो नहीं खरीदी, और ये जो शादी में जाने की कहानी बता रहा है वो भी ज़रा वेरीफाई करो। ठीक है सर। नासिक पुलिस, चुपचाप खड़ा रहे इधर। सर ये चाबी मिले इसके पास स्कूटर की? मैंने सर सर अरे कुछ नहीं किया सर। ये स्कूटर की चाबी तेरे पास कैसे आई? ये स्कूटर तूने इधर छोड़ा? हाँ सर, वो मेरे दोस्त गणे और मैंने मिलके ये स्कूटर सरला के घर से चुराई थी। और ये बाइक मेरे भाई का है, मैं वापस लेने के लिए आया था सर। बड़ा किधर? वो इधर पीछे 2 गली छोड़ के रहता है। शेर के सर भाई। कौन भाई? मैं रवि। तो यहाँ क्यों है? तेरे को बोला था ना कुछ दिन तक छुपे रहने को। मैं पापा था। और बता, पाटिल परिवार को क्यों मारा? साहब हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग ने पाटिल परिवार को नहीं मारा है। देख मैं प्यार से एक ही बार पूछता हूँ, ये जो तेरे पीछे आदमी खड़ा है ना, ये मारना चालू करेगा रात तक मारेगा। नहीं नहीं साहब, मारना नहीं साहब, हम लोग सब सच बताते। हम लोग ने पाटिल परिवार के यहाँ से सिर्फ कुछ पैसे और स्कूटर चुराया था, उनको मारा नहीं था साहब। हम लोग छोटे मोटे आदमी लोग हैं साहब। सरला जी के यहाँ से मैं शराब खरीदने जाता था, एक बार मेरी उधर ही बाकी थी करके सरला जी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी।
गहरे गहरे को तो पैसा नहीं देगा तो दर नहीं मिलेगी। वो पटेखा नहीं खोल रखा मैंने। चल उतारिए सब। मेरे को गुस्सा आ गया था, मेरे को उससे बदला लेना था, इसके लिए मैं उसके घर पर भी गया था। लेकिन तभी मैंने खिड़की से उसकी और उसकी बेटी की 30 लाख वाली बात सुन ली थी। ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी जमीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। उसके बाद मैं वहाँ से वापस चला गया साहब। मैं फिर एक बार सरला जी से माफ़ी भी मांगने गया था। फिर उसके बाद मैंने और रवि ने सरला के घर जाके वो पैसे लूटने का प्लान बनाया और हम लोग इसके भाई की बाइक लेके तो 5:15 बजे तक वहाँ पर गए थे, ये सोच के कि वो सरला जी अकेली होगी। जल्दी वहाँ जाकर हम लोग ने देखा कि भाई ये कुछ लफड़ा लगते, चल इधर से निकलते। अबे रुक, जो लेने आए वो लेके तो चलते ना अभी। मरवा देगा तू। अरे चल तू भाई। वहाँ पे तो 30 लाख वगैरह तो कुछ था ही नहीं साहब। लगता है इन तीनों को मार के पहले से किसी ने माल साफ कर दिया है। तो रुक रे। अरे चल चल निकल, निकलते ना। इतना ही है यार। अबे इतना तो इतना और टाइम पास मत कर, चल निकल, चल जल्दी चल यार। रुक। चल तू आता हूँ। उसके बाद हम लोग ने जल्दी जल्दी में जो भी हाथ लगा वो लेकर वहाँ से निकल लिए और जाते जाते वो विधि का स्कूटर भी लेके चले गए। तो फिर वो स्कूटर बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया साहब? वो तो हमारी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो रहा था और गली मोहल्लों में लोग पटाखों की लड़िया वगैरह जला रहे थे। हम लोग को डर था कि कहीं हम पकड़े नहीं जाए, इसीलिए दोनों गाड़ियां वही छोड़ दिए और पैदल ही निकल गए। और उसके बाद से अब तक सिर्फ छुप रहे हैं साहब। साहब वो मेरे भाई का बाइक है, वो बार बार मांग रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा वो लेने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? नहीं साहब। इन दोनों को चोरी और मर्डर के शक में कस्टडी में ले लो। अरे साहब चलो 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 साहब साहब संभाल। अरे साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया था। शिरके कैलाश ने हमें नहीं बताया कि ओम प्रकाश पाटिल की जमीन का सौदा हुआ है। वो तो परिवार का हिस्सा है, उसे तो पता होना चाहिए। जी सर, मुझे ये पता था कि ओम प्रकाश ने वो जमीन 30 लाख रुपए में बेची थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 30 लाख रुपए उसे कैश में मिले थे। इस पेमेंट के बारे में उसने मुझसे कभी बात नहीं की। तो हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ध्यान में नहीं रहा, भूल गया बताना। भूल गए या जानबूझ के छुपाया? क्योंकि तुम्हें वो 30 लाख रुपए चाहिए थे और शायद तुमने ही ओम प्रकाश को मारा है क्योंकि तुम्हें उस जमीन में हिस्सा भी चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो सर? ओम ने वो जमीन कुछ साल पहले उसके खुद के पैसे से खरीदी थी, पर अब मैं उसमें हिस्सा क्यों मांगूंगा? अपनी उधारी चुकाने के लिए। हमें पता है तुम पर लोगों का बहुत कर्जा है, मार्केट में लोग तुम्हें फ्रॉड कहते हैं। सर मैं मानता हूँ मेरे ऊपर कर्जा है और इसीलिए मैं पैसे बचाता हूँ। नहीं तो भला उस चाबी वाले से 50 रुपए के लिए क्यों झगड़ा करता मैं? और मुझे बताइए, पैसे बचाना गलत है क्या? मेरे बिजनेस में मैंने कुछ गलत फैसले किए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा। मैं फ्रॉड इंसान नहीं हूँ सर। तुम्हें पता है ओम प्रकाश पाटिल की जमीन किसने खरीदी है? हेमंत कापसे करके है कोई। हेमंत कापसे, लीजिए चाय लीजिए। सर आप बैठिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हेमंत जी आप काम क्या करते हैं? वैसे तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा यूनिट है अपना नासिक के बाहर। परिवार में कौन कौन? परिवार के नाम पे तो मैं खुद हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश पाटिल जी के साथ में आपकी एक जमीन की डील हुई थी, उसके बारे में बात करनी थी। वो सब पेपर तो लोकल तहसील में जमा है और वैसे टैक्स और चलन तो मैंने सब भर दिए। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये रहे जमीन के पेपर। वैसे तो ओम प्रकाश जी पूरी डील कैश में ही करना चाहते थे, वैसे मुश्किल था पर मैंने मैनेज कर लिया। वैसे पाटिल परिवार को कब से जानते हैं आप? मतलब किस टाइप के लोग थे? उनके साथ तो हमारे घर जैसे ही संबंध थे, लेकिन उनके मर्डर की बात सुन के तो धक्का लगा। अफसोस की बात है कि पाटिल परिवार का अंत ऐसे दर्दनाक होगा ये सोचा नहीं था। वैसे जो जमीन की डील आपने की, इस डील के दौरान या बातचीत के दौरान आप दोनों पार्टीज के अलावा और भी कोई शामिल था क्या? नहीं, मैं अकेला ही था और ये तो ओपन डील थी। पुलिस ने गौरी और सोनी का बैकग्राउंड भी चेक किया,
लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे साबित हो सके कि गौरी और सोनी के पास हाल फिलहाल में कोई बड़ा अमाउंट आया है। ओम प्रकाश सरला और विधि की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसी वजह से पुलिस कोई भी लीड पाने में नाकाम रही। तो फिर पाटिल परिवार का कत्ल किसने किया? पुलिस को कैलाश पर शक था, लेकिन कैलाश के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस की जांच इसी गुत्थी में उलझ कर रह गई थी कि अगर कैलाश नहीं तो आखिर कातिल कौन है। लेकिन तभी पुलिस को गन सप्लायर अफजल पाशा की खबर मिल गई। साहब, अपन कोई गन वन नहीं सप्लाई करता है। देख अफजल, केसरपाड़ा में इस वक्त अहमद चौल के बाहर मेरी टीम खड़ी हुई है तेरा कट्टे का माल सीज करने के लिए। तो भला इसी में कि सीधा सीधा बात कर ले, नहीं तो रिमांड रूम में ले जाना पड़ेगा। नहीं करनी है? ठीक है, ऐसे नहीं मानेगा, लेके चलो। साहब साहब रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। साहब, 9 तारीख को मैंने एक 30-40 साल के आदमी को गन की फर्स्ट कॉपी बेची थी। 9 तारीख को कौन था वो आदमी? मैं नहीं जानता साहब। शक्ल याद है? ज़्यादा याद नहीं है, दोबारा से देख लूँगा तो पहचान लूँगा। शिरके ये था? नहीं साहब। ये? नहीं साहब। और ये? इनमें से कोई नहीं है साहब। मतलब सर, कैलाश ने किसी और को गन लेने के लिए भेजा था। क्यों चले? मुझे लगता है हमें सारे डिटेल्स एक बार फिर से स्टडी करनी चाहिए, हो सकता है हमसे कुछ मिस हो गया। हट। मेरे हिसाब से बंगले की ओरिजिनल चाबी जो मिसिंग है वो इन तीन मर्डर्स को सॉल्व करने की एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। डंप डेटा फिर से एक बार चेक करो, देखो कहीं कोई फैमिलियर नंबर दिखता है क्या। सर। हमारा हंसता खेलता परिवार था साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब कुछ बिखर गया। दीदी को ऑनेस्ट कमेंट्स अच्छे नहीं लगते थे, उसको चाहिए था बस उसे मक्खन लगाते रहो, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो। उसकी मम्मी ने हम लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोला, क्योंकि हम लोगों ने उसकी एक पोस्ट पे कमेंट किया था। तो ये सरला सोशल मीडिया पे एक्टिव थी? एक्टिव? वो सुपर एक्टिव है। हाँ सर, सर एक आदमी था जो सरला के घर में अक्सर आया करता था। सर उसके लेफ्ट पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, सर वो तभी आता था जब ओम प्रकाश भाई साहब और विधि घर पे नहीं होते थे। शिरके, कौन हो सकता है जो लगता है और 6 महीने से हर रोज सरला से मिलने के लिए आ रहा है? सर, सर ये ओम प्रकाश की जमीन खरीदने वाला हेमंत काप से है। सर ये सरला सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, मैंने सरला की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की तो उसके मैसेंजर पेज से पता चला है वो हेमंत के रेगुलर कॉन्टेक्ट में। ये हेमंत उसे टाइम बता के मिलने आता था। ये देखिए सर, सर मैंने हेमंत की मोबाइल लोकेशंस क्रॉस चेक की तो दोपहर के टाइम हेमंत की मोबाइल लोकेशंस पाटिल के घर के आसपास की है। इसका मतलब शाली ने जिस आदमी को सरला के घर आते जाते देखा वो हेमंत कब से ही है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो। सर सर, यही था ना वो? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था। हाँ जी ठीक है, हाँ मैं साहब को बोल देता हूँ। हाँ हाँ ठीक। कहाँ तेरे साहब का? साहब ऊपर है। बोला। हाँ बोला तुम। आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? जी कॉलेज के वक्त बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, तब से पैर में रॉड है। आपके ठीक से ना चल पाने की वजह से आपका सीक्रेट खुल गया। जी आप ये बताइए कि सरला पाटिल के घर रोज क्यों जाते थे आप? वो तो जमीन बेचने के लिए, कन्विंस करने के लिए मुझे बुलाती थी। आपको उनकी जमीन पसंद नहीं आ रही थी क्या, जो 6 महीने तक हर रोज कन्विंस कर रही थी? सारी कहानी सच सच बताइए, आपके पैर में दर्द है, हम नहीं चाहते दर्द बढ़ जाए। बताता हूँ सर जी, सरला और मेरा अफेयर था, एक शादी में हम मिले थे और तब से दोस्ती हो गई। ओम प्रकाश जी से सरला खुश नहीं थी, वो अपना खर्चा चलाने के लिए दारू का धंधा भी करती थी। फिर हम दोनों में प्यार हुआ,
और वो अपनी जमीन खरीदने के लिए मेरे पीछे पड़ गई। मैंने सरला से विधि के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि विधि के शादी के लिए वो अलग से पैसे निकाल के रखेगी और उसे सेटल करा देगी। मैंने सरला को कहा था कि हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस उसे लगता था कि यही एक रास्ता है। मैंने सरला की बात मान ली। सरला मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी उससे खुश था। तो जब खुश थे तो पाटिल परिवार को मार के उनका पैसा क्यों ले लिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सरला से कह रहा था कि ऑफिशियली अपने पति से डिवोर्स लेके अलग हो जाओ और 30 लाख के बारे में भूल जाओ। पर ये सब पाटिल परिवार के साथ ये कैसे हुआ और किसने किया मुझे कुछ पता नहीं। इस केस में पुलिस के शक का दायरा हेमंत कापसे के नाम पे जाकर ठहर गया था, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहा था। पुलिस ये गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि डम डाटा में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिसे देखते ही इस केस का रुख एक हैरतअंगेज मोड़ पर चला गया। हाँ साहब, यही था वो आदमी। तो पहले हमसे झूठ क्यों बोला? साहब, अपन का धंधा चौपट होने वाला था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। अरे साहब, आप लोग? साहब तो मीटिंग को गए हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ। नहीं, तुझसे ही बात करने के लिए आए थे। तू ये बता, 11 तारीख को ओम प्रकाश पाटिल के घर के पास क्या कर रहा था? 11 तारीख को? हाँ, साहब ने भेजा था कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए। और अफजल पाशा के पास क्या लेने गया था? कौन अफजल पाशा? वो साहब ने गन लेने के लिए भेजा था, मैंने उनसे गन ली और साहब को दे दी। सर, सर हरी के घर से ये गन, 30 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी मिली है। मैं साहब और सरला के बारे में सब कुछ जानता था। वो 30 लाख रुपए लेके भाग जाने वाला प्लान भी मैं जानता था। जैसे तुम कहो, एक बार 30 लाख अपने हाथ में आ जाएंगे तो तुम कहो वहां चलेंगे हम। पेमेंट लेके मैं सर के साथ सरला के घर पे भी गया था। वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने एक अलमारी में बैग रख दी और उसकी चाबी एक ड्रॉअर में रख दी। सरला जी ने अपने घर की एक चाबी हेमंत सर को दी थी। हेमंत सर वो चाबी ड्रॉअर में ही रखते थे ऑफिस के। ठीक है ठीक है, मैं पहुँच जाता हूँ। हरी, उस दिन 11 तारीख को साहब किसी काम की वजह से बाहर चले गए। फिर मैंने मौका देख के ऑफिस के ड्रॉवर से एक चाबी निकाल ली और उसी दिन मैं सरला जी के घर पे पहुंच गया। और कैश और जेवर लेके वहां से भाग गया। और वापिस आके ड्रॉवर में चाबी रख दी ताकि किसी को शक ना हो। सरला की चाहत थी कि वो एक बेहतर ऐशो आराम से भरी जिंदगी जिए और इसी चाहत में उसने अपने पति को धोखा दिया। हर आदमी जिंदगी में आमिर नहीं बन पाता, लेकिन ये सरला का लालच ही था जिसके चलते आमिर होने की चाहत में उसने पहले अवैध शराब का धंधा किया, फिर अपने ही परिवार का पैसा चुराने और भागने का प्लान बनाया। लेकिन सरला का ये प्लान उल्टा पड़ गया। बड़े बुजुर्गों ने ठीक कहा है, जितनी चादर उतने पैर फैलाएं। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, ना कि शॉर्टकट अपनाएं। खुशबू, क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना। खुशबू, अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी, पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है।
खुशबू कहाँ है? अगला नंबर उसी का है। सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गए। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। अपराध और अपराधी आज हमारे समाज में महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं। ना अपराधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है और ना ही अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। हर रोज हमारे आसपास कितने ही अपराध होते रहते हैं, कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आ पाते। और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपराधी कोई बच्चा हो। बच्चों को मासूम समझा जाता है, लेकिन कई बार बच्चों के हाथ से ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जिस बच्ची का केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो न जाने कितने सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिर ये बच्ची थी कौन? खुशबू, अरे तक तैयार नहीं हुई, तो जल्दी करना बेटा, आज फिर स्कूल के लिए देर होगा तो फिर मास्टर नहीं डांटेगी। हमारा पेट दुख रहा है। बचपन में ना स्कूल के नाम से हमारा भी बहुत पेट दुखता था, और आज देख दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं। तुझे ये सब नहीं करना है ना बेटा, चल जल्दी कर, चल 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 बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। ये ले तेरे पैसे। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? तो तूने भी बोला था 2 दिन में पूरा करेगी, और आज 4th दिन है। पर हमारी बात 2000 में हुई थी, हमें 2000 मिलेंगे। रख, ये हो रहा तुम्हारा पढ़ाई? हाँ भेज करेगी ये सब? हाँ पूरे मोहल्ले में लोग हम पर हंसते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का ख्याल नहीं रखते हम। हम सड़क पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों करती है पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसा क्यों करती है? काहे करती हो तुम ये सब कुछ? हमें स्कूल नहीं जान, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, फिर मास्टरानी भी मारती है। अरे स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पर बैठ के नाचेगी क्या? क्या देख रही है? देख क्या रही है? आखिरी जगह आज से इसका खाना पीना सब बंद है, देखता हूँ उसको कौन खाने देते। तू यहाँ पर रही बच्ची, खबरदार दरवाजा खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भूखा मरने तुझे। खोलो, हमको भूख लगा है, खोलो ना। छी पालक, ये भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने को देख के मुंह नहीं बनाते हैं, चुपचाप खा लो। कैसा गिलगिला पिलपिल है। तुम तो हमारी गुड गर्ल हो ना? हाँ, अगर तुम ये पालक खा लोगी तो हम तुम्हें खीर बना के खिलाएंगे। खीर? हाँ, आ करो खाओ। ले खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना, वो नहीं है अभी घर में। बेटा क्यों सबको इतना परेशान करती है? हम तुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं, और हमने सोचा हमें बच्चा मिल जाएगा और तुम्हें माँ बाप। तुम लोग हमारे माँ बाप नहीं हो। ठीक है, माँ बाप मत मान, पर दुश्मन तो नहीं मानती ना, कम से कम हमारा कहना ही मान लिया करो। हमने कहा ना हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हमें पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा। पैसा पैसा पैसा, क्या करोगी इतने पैसे का? ठीक है छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, कल से लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांजना। क्या हुआ?
हे भगवान, तू इस घर के सारे बर्तन तोड़ेगी क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तू इस घर में काम करने आते कि बर्तन तोड़ने। इस बार इसके पैसे मैं तेरी पगार से काटूंगी। मम्मा थोड़ा धीरे बोलो ना, कल मेरा एग्जाम है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा बेटा सुन, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तब तक ये सारे बर्तन धो के पहुँच के रैक में जमा देना, और पहले कांच के टुकड़े साफ कर, चोट लगेगी किसी को, कर जल्दी। इस तरफ तकरीबन 11-12 साल के बच्चे की लाश है, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। हाँ जी जी, यहाँ सब ठीक है। वो खुशबू वो पढ़ाई कर रही है जी जी, हम आपसे बाद में बात करते। हाँ सुनिए ना, शाम होने को आई है, खुशबू अब तक घर नहीं आई, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, एक बार आप जरा देखकर। बहुत बहुत खुशबू खुशबू खुशबू, देखना खुशबू के वजह से कितना तमाशा होने वाला है, पुलिस आएगी और इस खुशबू की वजह से हम सब अंदर होंगे। आज के बाद अगर खुशबू का नाम मिल गया ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिए ना, हमारे पास आपके मतलब का कुछ सामान खरीदेंगे क्या? क्या बोल रही है? एक बार सामान देख लीजिए। क्या सामान? ये देखिए। क्या ये सब? चाहिए कि नहीं ये बोलिए, हमें पैसे की जरूरत है, ढेर सारे पैसे। पहले ये बताओ ये सारे सामान लाए कहाँ से? चोरी की है? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बेटा संभल के, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? तुमसे मतलब? झूठ, चुरा कर लाइए। नहीं, ये हमारे पैसे, छोड़ो हमारा, वो हमारे पैसे। ये पकड़, इंसान के पास अगर पैसा है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बचा सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। हाथ छोड़ो हमारा, वरना इन्हीं पैसे से तुम्हारी सुपारी दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाओगे। हो सकता है वो बच्चा अनाथ हो, या किसी दूसरे स्टेट से आया हो किसी काम के सिलसिले में, यह भी हो सकता है कि उस बच्चे का मर्डर उसकी फैमिली ने ही किया हो, इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। उस बच्चे की फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दी है ना? जी हाँ सर। और एक्सक्यूज मी सर, हटिए सामने से, क्या चल रहा है यहाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी हमारा हाथ पकड़ और गंदे गंदे इशारे भी कर रहे। अरे साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा था, ये लड़की सामने से भागती हुई आई और हम लोगों से टकरा गई, पूछिए साहब आप इससे। और साहब इसका बैग नीचे गिरा और बहुत सारे पैसे थे उसमें। अरे साहब मैं तो बस इससे इतना ही पूछ रहा था कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाई कहाँ से, और साहब मेरी सुपारी देने की बात करी थी और अब आपके सामने छेड़खानी के इल्जाम लगा रही है सर। ठीक है ठीक है, नहीं सर बैग चेक करवाओ। हमारे बैग में हमारे ही पैसे और हमारे ही कपड़े। ठीक है कोई बात नहीं, बैग चेक करने दो, मैम चेक करो बैग। इतना सारा पैसा, इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? ये सामान तुम्हारा ही है? ये क्या सामान है? ले लो, मामले को रफा दफा करो। सर एक मिनट। ठीक है आओ। हाँ बोलो। साहब कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ले देंगे खत्म कर दे।
आइए सर। लड़की के बैग से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ घर कहाँ पर है तुम्हारा? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है, छोड़िए, हमें घर जाना है, छोड़िए, हमें घर जाना है। बेटा हम आपको आपके घर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो बताना होगा ना कि आपका घर है कहाँ पर, कहाँ की रहने वाली हो आप? हमें नहीं पता। अच्छा आपको आपका नाम तो पता होगा ना? खुशबू। अच्छा खुशबू बेटा आपको पता है आपके बैग में क्या सामान था? वो हमारा बैग नहीं है। और उसके अंदर जो पैसे थे वो? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। ये बच्ची साफ साफ कुछ बता नहीं रही है। सर मुझे तो इसका रोना धोना भी सिर्फ एक नाटक ही लग रहा है। मनीष सबसे पहले ये पता करो कि ये केमिकल कंपाउंड्स आखिर हैं क्या, और एक बच्ची के बैग में कैसे आए? इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये बच्ची पैसों के लालच में किसी का बैग चुरा के भागे। पता करो। ओके सर। शॉकिंग न्यूज़ है सर, उस बच्ची के पास से जो केमिकल कंपाउंड्स मिले वो लोकल बम बनाने में यूज किए जाते हैं। व्हाट? जी सर, उस बच्चे की बॉडी पर चाकू जैसे धारदार हथियार से 3 बार किए गए थे। धारदार हथियार की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो गए और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पता चला बच्चा कौन है? जी नहीं सर, लेकिन उस बच्चे के कपड़ों पर बारूद के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। हो सकता है बच्चा किसी माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर पटाखे बनाने की। ऐसे एक और पॉसिबिलिटी है, तुमने कहा था कि बच्ची के पास से केमिकल कंपाउंड्स मिले थे जो लोकल बम बनाने के काम में आते हैं। जी सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हो सकता है इस बच्ची का और जिस बच्चे का मर्डर हुआ इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। देखिए सर यार, राजस्थान में कोई बॉम्ब क्यों बनाना चाहेगा? चल फटाक से कर इसको। कादर भाई वो बच्ची पुलिस के पास है, वो मेरा माल वाला बैग लेकर भी भाग गई है। वो बच्ची मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें घर जाना। बेटा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको आपके घर लेके जाऊंगा, लेकिन बेटा आप ही ने नहीं बताया घर कहाँ है आपका, कहाँ से आई हो आप? आप हमें दिल्ली ले चलेंगे। अच्छा तो आप दिल्ली की रहने वाली हो? दिल्ली में कहाँ बेटा? हमें बस दिल्ली जाना है। हाँ बेटा लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमने कहा ना हमें कुछ याद नहीं है। कुछ तो याद होगा, आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क, कोई पार्क, कोई स्कूल। भुट्टा, भुट्टा समझती है ना तू? हाँ हाँ वही भुट्टे का मकबरा। क्या भुट्टे का मकबरा? वही फेमस है वहाँ, भुट्टे का मकबरा है। भुट्टे का मकबरा मतलब भुट्टे की मजार? हाँ। तुम्हारे बैग में जो सामान था तुम्हें पता है वो क्या था? क्या वो सामान किसी ने आपको किसी को देने के लिए दिया था? आप हमें खाए परेशान कर रहे, वो सामान हमारा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। सर ये बच्ची में जहाँ मिली थी वहाँ बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर इसके बारे में बता दिए। एक ऑटो वाले ने इसकी पहचान की, उसने बताया कि उसने इस लड़की को जयपुर बस स्टैंड पर छोड़ा था, और ये ऑटो वाले से भी कह रही थी कि इसको दिल्ली जाना है। अब सर दिल्ली इतना बड़ा है, इसका घर कहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा? लड़की मैं की जगह हम कह के बात कर रहे हैं, हो सकता है ये यूपी बिहार में कहीं की। एक काम करो, यूपी बिहार और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। बच्ची ने कहा कि भुट्टे का मकबरा। मजाक कर रही होगी सर? हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। इसके बैग में जो सामान था किसका था पता करो, वो लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा
फोटो वाले ने इस बच्चे को जहाँ से पिकअप किया था उस रूट पे घुमा, हो सकता है ये अपना घर पहचान ले। ठीक है सर। कुछ याद आया? चलो कादर भाई, पुलिस उस बच्ची को लेकर पूरे शहर के चक्कर काट रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर एक भी आदमी पुलिस की हत्या चढ़ा ना, हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। वो बच्ची चाहिए मुझे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? तुमसे ना बड़े सा बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में आ गया है। एक नंबर की चालाक लड़की हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो। कब से हमें बस घुमाए जा रही हो, बस घुमाए जा रही हो। सर सर, गाड़ी रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अमी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, लगता है कोई बेहोश हुआ है। पूजा, पानी का बोतल लेकर आओ फटाफट। ए बच्ची हमारे वाले कर। ए गन्नी चकर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूँ गन्नी चकर, अच्छा नहीं होगा ये। गन्नी चकर हमारे वाले कर। सर सर, खुशबू भाग गई। खुशबू रुक। What? हाँ सर, उस आदमी ने गन निकाल ली थी और मौके का फायदा उठाकर बच्ची भाग गई। बच्ची के बैग से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। हो सकता है बच्ची इन लोगों के बारे में जानती हो और इन लोगों को इस बात का डर हो कि बच्ची इन लोगों के बारे में पुलिस को बता देगी। सर ये आदमी मुझे कोई मामूली गुंडा तो नहीं लगता, क्योंकि एक बच्ची को बचाने के लिए सरेआम पुलिस के ऊपर गन तान देता है। आई नो, ये लोग बहुत खतरनाक है और इनका कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। कैसे भी करके बच्ची के बारे में पता लगाओ, बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। और बच्चे के घर वालों के बारे में भी पता लगाओ, हो सकता है उनके थ्रू इन लोगों का क्लू मिले। सर भुट्टे का मजार तो नहीं, लेकिन एक जगह मिली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम गाजीपुर। भुट्टे का मजार, श्री कॉर्नवालिस टूम। ये लड़की दिखने में लोअर मिडिल क्लास की लगती है, हो सकता है ये लड़की इसी एरिया के आसपास कहीं बस्ती में रहती है। मनीष, तुरंत वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो। ये लड़की इस एरिया की बात कर रही है, इस लड़की के घर का पता लगाओ। ये लड़की ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लड़की के रूट तक पहुंचना होगा। ओके सर। सर गाजीपुर पुलिस की तरफ से खुशबू के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट वहां फाइल हुई थी। खुशबू के माँ बाप मर चुके हैं। घर में चोरी के दौरान माँ का मर्डर हुआ था और माँ के मरने के कुछ दिन के बाद ही इसके बाप ने सुसाइड कर लिया था। गाजीपुर? तो खुशबू दिल्ली जाने की बार बार बात क्यों कर रही है? खुशबू के माँ बाप दोनों मर चुके हैं, हो सकता है खुशबू इसी वजह से ट्रॉमा में हो। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि खुशबू यहाँ तक कैसे पहुंची और उन लोगों के चंगुल में कैसे फंसी। सर, खुशबू अपने परिवार के साथ यहीं रहा करती थी। उसके बाप की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके बाप को धंधे में भारी नुकसान हुआ और वो दारू पीने लगा। सर, उसके बाद में उसने परिवार के साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया, क्यों किया, सर कुछ पता नहीं चला। बस सर, बाप की मौत के बाद खुशबू भी गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ गई। पर सर, कुछ लोगों का कहना है कि खुशबू ने ही अपने बाप को मारा था। उसका एक भाई था जिसे
उसकी बड़ी मौसी अपने साथ ले गई जी। सर उसका घर यही है पास में। हमें कुछ नहीं पता साहब, अपने बाप के मरने के बाद से ही वो गायब है। ये कुंदन है खुशबू का भाई, हमारे साथ ही रहता है। खुशबू हमें जयपुर में मिली थी, हमारी कस्टडी में थी, लेकिन वो हमारी कस्टडी से भाग गई। हमारे ऐसा मानना है कि उसका ताल्लुक किसी गिरोह से हो सकता है। अब हम क्या बताएं साहब, बच्ची का कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर रेखा का कहना है कि वो खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बढ़ाई गैस कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। पता करो इस रेखा का चक्कर क्या है। खुशबू के पड़ोसियों का कहना है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागी, वहाँ की पुलिस भी खुशबू को ढूंढ रही है, लेकिन पिछले एक साल से खुशबू का कुछ पता नहीं चला है। ये भी तो हो सकता है सर, खुशबू भागकर ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ गई हो जो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, मुझे डाउट है कि खुशबू और उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब मैंने खुशबू को उसकी फोटो दिखाई थी तो कॉन्शियस तो हुई थी। खुशबू के केस की कड़ियां एक बड़े केस की तरफ लेकर जा रही है। खुशबू का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर खुशबू की मासी रेखा की कॉल डिटेल्स आ गई है। रेखा की जयपुर में किसी कंचन से बात होती थी तकरीबन रोजाना। मिलते हैं इस कंचन से। हाँ साहब, खुशबू हमारी बड़ी बहन सुमन की बेटी है। अच्छा, रेखा ने हमसे बताया कि खुशबू अपने बाप के मरने के बाद से गायब हो गई थी। हाँ साहब, वो सच में भाग गई थी। 3 महीने बाद एक आदमी उसकी बड़ी मासी रेखा के घर ले आया, तब हम भी वहीं पास में रहते थे साहब। बेटा थोड़ा तो खा ले। जी जी, बच्ची का मन ठीक नहीं है शायद। ले बेटा पानी पी ले। पुलिस कह रही थी शायद अपने बाप को मार के भागी है। नहीं जी जी, हमारा मन नहीं मानता। हमारी खुशबू कोई गलत काम नहीं कर सकती। जी जी, हम इसे अपने साथ ले जाएं। हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हमने उसे ही अपना बच्चा मान लिया था। शुरू शुरू में तो वो बहुत दुखी थी, फिर जैसे जैसे वो ठीक होती गई उसके सर पर जैसे पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और सड़क के किनारे ड्राइंग बनाकर भीख मांगने लगी थी। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन रेखा ने हमसे झूठ क्यों बोला, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि खुशबू हमसे मिलने से पहले तक तुम्हारे पास रह रही थी। उसने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुशबू की वजह से वो किसी भी पुलिस के लफड़े में पड़े। मतलब कैसा लफड़ा? साहब, खुशबू इस बार बहुत बड़ा कांड करके भागी थी। उसने शिप्रा दीदी के घर से पैसे चुराए और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करके भाग गई। शिप्रा रहती कहाँ है? अभी मुंबई में अपने बेटे के साथ। अच्छा, ये देखो, इसको जानती हो तुम? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते, हमने पहले कभी नहीं देखा इसे। पक्का? जी जी साहब। साहब वो हमें अब खुशबू से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगर वो मिल भी जाए तो चिंता मत कीजिए। अगर खुशबू मिल भी गई तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों को नहीं दी जाएगी। आंटी थोड़े पैसे दे दीजिए ना, हमें दिल्ली जाना ना यहाँ से। थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये ले। सिर्फ 1 रुपए, इतने से मैं क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत है, ढेर सारे पैसे। थोड़े और पैसे दे दीजिए। अरे जा, अरे अरे मेरा पर्स, पकड़ो पकड़ो चोर। सर सर, एक औरत ने एक बच्ची के खिलाफ पर्स स्नेचिंग रिपोर्ट लिखवाई। उस औरत को जब खुशबू की फोटो दिखाई तो उसने खुशबू की पहचान कर ली। जिस एरिया में खुशबू पर्स खींच के भागी थी उस एरिया में सर्च करो और शिप्रा की भी डिटेल्स निकालो। उसके बच्चे पर जानलेवा हमला हुआ, उसने पुलिस कंप्लेन भी नहीं करवाई। पता करो चक्कर क्या है। ओके सर। रुक।
रुको 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 कहीं नहीं जाओगे वो दो अंकल हमारे पीछे तुम बहुत झूठी हो कोई पीछे नहीं है तुम्हारे गाड़ी में बैठो उसको खुशबू बेटा हमें ये पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है कहाँ की रहने वाली हो तुम और हमें ये भी पता चल गया कि आप अपने घर से क्यों भागे थे और हमें ये भी पता है ये नंदन है कौन नंदन किसने मारा था इसको हमें यहाँ नहीं रहना हमें माँ के पास दिल्ली जाना है खुशबू बेटा हम ये जानते हैं कि आप जानते हो कि आपकी माँ दिल्ली में नहीं रहती है मर चुकी है वो मैं माँ के पास जाना है हमें अपनी माँ के पास जाना है बच्ची बहुत सदमे में है हो सकता है इसने बच्चे नंदन का मर्डर विटनेस किया हो सकता है सर इसने मर्डर किया हो वायलेंट तो ये है ही ऊपर से लोगों को इस पर शक भी है कि इसी ने अपने बाप को मारा शिप्रा के बेटे पर जानलेवा हमला भी इसी ने किया पॉसिबल है लेकिन सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाओ मेडिकल चेकअप करवाओ इतने दिनों से बच्ची रास्तों पर भटक रही है कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ ओके सर सर ये खुशबू की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है आपका शक बिल्कुल सही था उसको रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था हो सकता है उसी ग्रोह का काम है सर हमने शिप्रा के बारे में पता किया शिप्रा के कॉलिकोट तो क्लीन है लेकिन इसका पति गगन ये लफड़े वाला आदमी है सर ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ जयपुर में रह रहा है और किसी कादर नाम के आदमी के टच में है कादर का असली नाम संजय है ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है के टच में व्हाट किसी भी बच्चे का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है वक्त और हालात उसे अपने तरीके से आकार देते हैं किसी भी बच्चे को अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों है ये समझ पाना बहुत मुश्किल यहाँ तक कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कई बार बच्चों के सहज मन की उलझी हुई बातें नहीं समझ पाते पुलिस जैसे जैसे खुशबू की केस से पर्दा उठा रही थी उनकी समझ में आ रहा था कि खुशबू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे सर खबर पक्की है गगन और कादिर दोनों घर के अंदर है दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए डालो साले को गाड़ी में सब वो खुशबू मेरे घर पर काम करती थी हमेशा कहती थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है इसीलिए साहब मैंने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया जा माल पहुंचा गया टाइम से हाँ साहब खुशबू हमेशा पैसे मेरे पास ही जमा करती थी क्योंकि उसे डर था कि उसका मौसा उससे पैसे ना छीन ले ये बच्चा नंदन साहब ये कुछ दिनों तक तो हमारे साथ काम करता रहा लेकिन एक दिन अचानक आकर बोला कि मैं काम नहीं करूंगा क्या काम नहीं करेगा नहीं नंदन की मौत के बाद में खुशबू बहुत डर गई थी तो उसने उस दिन मेरे बेटे पर अटैक किया और वो पैसों वाला बैग लेकर वहां से भाग गई साहब उसमें हम लोगों का भी कुछ माल था हमें मारने से कुछ नहीं होगा एक मिशन नाकामयाब हुआ है बस बाहर और भी लोग हैं हमारे मिशन क्या है तुम्हारा मिशन क्या है तुम्हारा
जयपुर में ब्लास्ट। धीरज कुटो और जम के कुटो। खुशबू बेटा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने पकड़ लिया उन लोगों को जिनसे डर के आप भाग रही थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जिनसे डर के आप भाग रही थी, ये कादर, गगन या इनके गैंग के कोई और लोग, इनमें से किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं। तो फिर बेटा, ये सब किसने किया आपके साथ? लगता है सर खुशबू अभी भी सदमे में है। खुशबू रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी। खुशबू के स्कूल में, उसके अड़ोस पड़ोस में पता करो, खुशबू किसी ना किसी के तो क्लोज होगी। खुशबू के मौसा से भी एक बार मिलते हैं। इतने समय तक खुशबू उसके पास रही, हो सकता है उसने फायदा उठाया हो खुशबू का। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पर बाप ने खुद अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, और तुमने तो सिर्फ खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने हमेशा उनका भला ही चाहा है। हम नहीं होते ना तो दोनों बच्चे जेल में होते हैं। मतलब खुशबू के बाप ने ही खुशबू की माँ को मारा था। अरे कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में? अभी अभी कढ़ाई चढ़ाई है, बनेगी तभी तो दूंगी ना। सर कुंदन का फोन आया था हमारे पास, हम वहाँ गए तो हमने ही उन्हें समझाया कि बाप के खिलाफ गवाही ना दे। सर माँ तो मर चुकी थी, बाप को जेल हो जाती तो बच्चों का क्या होता। फिर भी पुलिस उसके बाप को पकड़ के ले गई, लेकिन कोई गवाह सबूत नहीं था तो 3 महीने बाद उसको बेल मिल गई थी। लेकिन फिर भी बच्चों की विपदा खत्म नहीं होती। मत पिया करो इतना। तुमने हमारी माँ को मारा, बैठ के दारू पी रहे हो, निकलो। क्या साले, अपने बाप का बाप बन रहा है? जिस तरह तुम्हारी अम्मा को मारा ना, तुम्हें भी मार डालेंगे। क्या बोला? हमने पुलिस को ये बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है। सर खुशबू को बहुत ढूंढा, लेकिन 3 महीने तक उसको कुछ पता ही नहीं चला। और जब खुशबू मिली तो वो कुछ अलग सी ही थी। खुशबू की जिंदगी के उलझे रहस्यों को सुलझाते सुलझाते और जयपुर में होने वाले विद्रोहियों के हमले को नाकामयाब किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपने पिता संतोष के खून के आरोप में कुंदन को सुधार गृह भेज दिया गया। सर आपने खुशबू की ये सारी ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट की? कल खुशबू की कोर्ट में पेशी है, और कैसे भी करके हमें जज साहब को यकीन दिलाना है कि खुशबू दरअसल एक विक्टिम है। खुशबू की इफेक्ट पेंटिंग देखी तुमने? सारी पेंटिंग में बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं है। जी सर, खुशबू को सेक्सुअली अब्यूज तो किया गया? उसकी ये ड्राइंग देखी तुमने? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसे गिद्ध की तरह नोचता है। एक चीज़ और नोटिस की, ये सारी की सारी ड्राइंग में बच्ची किसी घर में है, हो सकता है यही की घर हो, लेकिन खुशबू कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें कैसे भी करके पता करना होगा कि इस घर का मतलब क्या है। खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आएगी। खुशबू कहाँ है? अगला नंबर उसी का है। सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, 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 क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गए। पूरा एरिया छान मारो, कहीं निकलनी नहीं चाहिए वो। ओके सर। कुछ
बेटा, आपको जो भी कहना है आप बिना डरे बिना संकोच के मुझसे कह सकते हो। माँ के पास, हमें माँ के पास जाना है। आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ मर चुकी है। वही तो हम बार बार कह रहे हैं, हमारी माँ जिंदा है, उनको बेचने के लिए एक कमरे में बंद रखा है। अच्छा बेटा, दिल्ली में कहाँ पर, कहाँ की बात कर रही हो, कहाँ पे रखा है उनको? हमें जगह याद नहीं है, पर हमें घर याद है। आप हमें ले चलेंगे ना दिल्ली? ताला लगाए? हम कह रहे हैं ना आपसे, माँ अंदर ही। मनीष, ताला तोड़वा। ये जिंदा है सर? जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करो, क्विक फास्ट सर। तू आया हमें बचाने सर, इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दर्द का रिश्ता जरूर है। उस दरिंदे ने इसे भी 3 महीने तक उस कमरे में बंद रखा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटने लग गए थे। खुशबू हमेशा कहती थी कि ये बहुत पैसे कमाएगी, और जब वो हमें बेच देगा ना, तो उन पैसों से हमें वापस लेकर आ जाएगी। और एक दिन इसे मौका मिला, ये भाग गई। ये पैसे लगा दिए। नहीं, हम नहीं जा सकते। जा जल्दी, जा चले ना, स्टेशन जाना। अगर ये नहीं होती ना, तो हम उस कमरे में मर चुके होते। नहीं माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते। बेटा, आपको इसलिए खूब सारे पैसे चाहिए थे ताकि आप अपनी माँ, मेरा मतलब, इन्हें छुड़ा सके। हाँ, उस दरिंदे को छोड़िए गाड़ी। मनीष सर, उठाओ उसे। सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी उनसे। माफ कर दे तुझे, माफ कर दे तुझे। एक औरत को इतने समय तक बंदी बना के रखा, रेप करता रहा उसका। वो हमारे गांव की है, अनाथ थी, उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। हमें जाना है। हाँ, हमें जाना है। हमें नहीं। खुशबू, एक 13 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़। खुशबू उसके बाप के मरने के बाद भाग गई थी सर, मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, वो मुझे मिल गई थी सर। तू यहाँ बैठी है? तेरे पापा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें दिल्ली अस्पताल लेके गए। चल तुझे याद कर ले, चल चल बेटा, मैं लेने आया। फिर मैं खुशबू को बहला फुसला कर दिल्ली ले गया, और उसे भी उसी कमरे में ले गया जहाँ पर मैंने इंदू को रखा था। फिर एक दिन उसने मेरे सर पर मारा और वहाँ से भाग गई, और उसकी बदकिस्मती फिर से उसे तेरे पास ले आई। कट्टर से इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। खुशबू एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। दुर्भाग्य से एक तरफ जहां दीपक जैसे लोग इंदु और खुशबू जैसी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कादर और गगन जैसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में घुन बनकर उसे खोखला करने में लगे रहते हैं। नंदन और खुशबू जैसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, ये लोग ऐसे बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं,
ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे की रक्षा करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।